आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो सीटेट सिलेबस सीरीज का पार्ट फोर्थ है, जिसमें हम पेपर सेकंड के कम्प्लीटली एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र की प्रकृति एवं स्तर की क्या इसका स्टैंडर्ड रहेगा और क्या इसका नेचर रहेगा। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं प्रश्न पत्र जो सेकंड है कक्षा 6 to 8 है, अपर प्राइमरी लेवल, और इसके अंतर्गत जो आपको पता ही है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके तीनों सेम रहेंगे। जो बेसिक डिफरेंस होता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक आर्ट्स के लिए ये पेपर रहता है, एंड गणित और विज्ञान के लिए सेपरेट पेपर रहता है। इसके 60 क्वेश्चंस रहते हैं और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के भी 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर सेकंड के फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है, CDP, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 11 to 14 आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञान एवं अधिगम पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम क्या हुआ आपका, लर्निंग। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसकी आवश्यकता और शिक्षकों के गुण इत्यादि की समझ से संबंधित होंगे। तो शिक्षकों के गुण क्या हो गया आपका, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन, भाषा हिंदी। तो जैसा कि पहले भी बताया है कि भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी और इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, आपके वो कमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाषा फर्स्ट के दैट्स इट में भी हिंदी और इंग्लिश, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय विभिन्न विकल्पों में से चुने गए शिक्षण के माध्यम भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न सिलेक्टेड भाषा, ओके, चयनित भाषा के विभिन्न अवयवों डिफरेंट एलिमेंट्स, उसकी समझ दैट्स मीन अंडरस्टैंडिंग, उस भाषा में बात करने की क्षमता स्पीकिंग स्किल इत्यादि पर आधारित होंगे। चलिए बात कर लेते हैं लैंग्वेज सेकंड की। तो ये आपकी हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। अगर भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी होगी तो सेकंड इंग्लिश होगी, और अगर फर्स्ट इंग्लिश होगी तो सेकंड हिंदी होगी, ओके? इसके अंतर्गत भाषा एक के अतिरिक्त आवेदन पत्र में दिए गए भाषण विकल्पों में से, भाषण नहीं होगा ये, भाषा विकल्पों में से, ओके, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से उसके विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय चुने गए किसी भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज फर्स्ट की तरह ही एजिटेट है, बस भाषा सेकंड का इसमें डिफरेंस है। लाइक दैट सेम है, विभिन्न अवयवों इसकी समझ तथा भाषा में बात करने की क्षमता इत्यादि पर आधारित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेपर जो आपका जो सब्जेक्ट है फोर्थ है, आर्ट्स वालों के लिए क्या रहेगा। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं सामाजिक अध्ययन या जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, तो फर्स्ट वन हम इसकी बात कर लेते हैं और बाकी बाद में इसको आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों समस्याओं एवं इसके शिक्षा शास्त्रीय पेडागोजिकल समझ की जांच करना होगा। यह प्रश्न कक्षा 6 से 8 के NCERT CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। एक स्पेशल नोट भी है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र सेकंड के विषय वस्तु NCERT CBSE द्वारा निर्धारित कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जिसकी हमने इससे पहले भी चर्चा की थी। किंतु जो मेन थिंग है, इन प्रश्नों की जटिलता डिफिकल्टी जो लेवल है माध्यमिक कक्षा के समतुल्य होगा। जैसा कि अभी हमने देखा पेपर फोर्थ के लिए जो है आपका क्या था, आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन था आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस के मैथ के स्टूडेंट्स रहेंगे पता है आपको कि उनका वो सेपरेट वो सेक्शन होता है, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, गणित की संख्या प्रणाली, बीजगणित, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजिकल मुद्दे, शैक्षणिक मुद्दे, विज्ञान, भोजन सामग्री, जीवन की
दुनिया, चलती चीज़ें, लोग और विचार, कैसे काम करते हैं, प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन, और साथ में आपके शैक्षणिक मुद्दे। ओके, वही पैडागोजिकल आपका नेक्स्ट वन आपका सामाजिक अध्ययन, जिसको हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन इत्यादि आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, CTET CTET पेपर सेकेंड के लिए तैयारी टिप्स। फर्स्ट वन, आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से हमको पहले उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भ्रम पैदा करने के लिए प्रश्नों को घुमा दिया जाता है, कि ऐसे उसको घुमा दिया जाता है कि हम प्रश्न का कंसेप्ट ही समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को 2 से 3 बार तक पढ़ने की। ओके, गणितीय कंसेप्ट और सूत्रों को नियमित रूप से रिवाइज करते रहें। जो फार्मूलेस हैं, कंसेप्ट हैं, उनको नियमित रूप से रिवाइज करते रहें, ताकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्पर परत निशान। ओके, नेक्स्ट वन, NCERT पुस्तकों का अनुसरण करें, क्योंकि इसी पुस्तकों से आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। और मोस्ट ऑफ ऑल इन लास्ट, ऐतिहासिक घटनाओं के लिए ट्रिक्स याद रखें। ओके, तो चलिए, आई थिंक आपको ये मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।